मेरे शौहर 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। वो बोले कि चलो तुम्हें तुम्हारी अम्मी के हाथ छोड़ देता हूँ, अकेली क्या करोगी घर में, हो भी डरपोक। तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। माँ के घर का दरवाज़ा खोला तो मेरे माँ बाप सामने सहन में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। सलाम दुआ के बाद उसने खैरियत से पूछा, अब्बा आप तो अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते थे, तो आज क्यों? अब्बा ने निवाला लेते हुए कहा, बेटा कभी कभी खा लेनी चाहिए, मज़े की होती है, मुझे तो आज पता चला। उसने अब्बा की आंखों में बेबसी भांप ली थी। इतने में भाभी सहन में आती और मिलते ही पूछती, रहने आई हो? वो खुशी से बोलती, जी भाभी असद 1-2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ दिया। भाभी ये सुन के मसनूई हंसी और बोली, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय या बोतल लाती हूँ। वो भी अम्मा अब्बा के बर्तन समेट के कहती, मैं भाभी की हेल्प करवा देती हूँ और भाई से भी मिल लूँ। वो बर्तन किचन में रखती और भाई के कमरे की दस्तक देने ही लगी थी, अंदर से भाई और भाभी की आवाज़ें बाहर सुनाई दी, तुम्हारी बहनें बया तो दी हैं लेकिन अम्मा अब्बा का चौखट नहीं छोड़ती, जब जिसका दिल करता है बच्चों समेत मुंह उठाकर चली आती हैं। भाई की आवाज़ आती है कि तुम्हारा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? भाभी बोली, बस मुझसे नहीं होती तुम्हारी खानदान की खिदमत, तुम्हारे माँ बाप को खाना देती हूँ यही एहसान समझो। उसका तो जिस्म जैसे वहीं सुन हो गया और आवाज़ खलक में दब गई और उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पे बात करती हुई बाहर निकली, अच्छा अम्मी आप लोग आए हैं, गाँव से पहले बता देते तो मैं अम्मी की तरफ आती ही ना, चलें आप परेशान ना हों मैं वापस आ रही हूँ। शौहर बोला कि आप ऐसा करें कि आप राबी आपी के घर बैठें थोड़ी देर। अम्मा अब्बा भी हैरान होते हुए कहते, बेटा ये क्या बात हुई? वो बोली, अब्बा जी असद की अम्मा आई हैं तो उन्हें कैसे छोड़ दूँ, फिर कभी आऊँगी इंशाल्लाह, अभी इजाज़त दें। अपने आंसुओं को हलक से उतारते हुए दोनों से गले मिली तो बाबुल का घर फैलांगा थी। वापसी पे एक एक कदम एक एक मन का महसूस हुआ और होंठों को भेजती चली गई जैसे कि खुद को हौसला दे रही हो। इसे फिर वो बात याद आई कि फसलें जो काटी जाएं उगती नहीं हैं, बेटियां जो ब्याही जाएं वो मुड़ती नहीं हैं। बेशक मेके माँ बाप से होते हैं लेकिन कभी उनके होते हुए भी वो बेबस होते हैं। रात को खाने में उसे नमक ज़्यादा लग रहा था जबकि वो नमक उसके हलक से उतरे हुए आंसुओं का था।